हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए गुड न्यूज़, और ये गुड न्यूज़ है आपका आरपी फाइनेंशियली कांस्टेबल का। जी हाँ दोस्तों, आपको आरपी फाइनेंशियली कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा था और जिसका जो है अभी ट्रेटेस चालू है काफ़ी जो, और उसका जोर शोर से उसका जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और ये रिजल्ट है आपका ग्रुप ई वालों का, देख सकते हैं आप, ग्रुप ई वालों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस पढ़ के दिखा देता हूँ। पहले अधिसूचना संख्या कांस्टेबल सहायक 03-2018 के अंतर्गत कांस्टेबल सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध उम्मीदवारों की सूची लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इम्पैनल्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए कांस्टेबल आरपीए फाइनेंशियली अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है वो 03/2018 जो है आपका NFR जोन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल वाइज, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है करमजीत, फादर नेम सुरेंद्र सिंह, ये रहा ई अनरिजर्व, ये इनका रोल नंबर है। कैटेगरी देखिए अनरिजर्व है, मेल, डेट ऑफ बर्थ इनका देखिए 97 है, और इनका जो ट्रेड है वो सफाई वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के तहत। नंबर दो पे देख लेते हम, यहाँ पे है मुरारी प्रसाद, जिनके पिताजी का नाम नवार प्रसाद, ई है, ये भी ई कैटेगरी के, पूरे लिस्ट जो है ई कैटेगरी के हैं, यहाँ पे SC से हैं, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है देख सकते हैं 8/6/91 है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार जो है आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये सीरियल वाइज है, यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ पर पिताजी का नाम आपके, यहाँ पर आपकी कैटेगरी रोल नंबर आएगा, यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, यहाँ पर आपका जेंडर है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपका ट्रेड आएगा, और फिर यहाँ से आप किस कैटेगरी के अंतर्गत जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये टोटल लिस्ट है, जिसमें 33 जो है टोटल हुआ है। अब निर्देश हम मैं आपको कुछ पढ़ के बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कि सूचीबद्ध उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा का दिनांक स्थान उम्मीदवार को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर सूचित किया जाएगा। द इंपेलेंट कैंडिडेट्स कैन बी कॉल्ड, मतलब मैं आपको बता दूँ इंग्लिश में चाहे हिंदी में, बात यह है कि आप जिस भी को जिनको जिनको सेलेक्ट किया गया उनके मोबाइल नंबर पर आपको भेजा जाएगा आपका मेडिकल का कब से स्टार्ट होगा। अब बात करें नंबर दो की, चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाना नियुक्ति की गारंटी नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि अगर आपको चिकित्सा के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको 100% गारंटी का जो है प्रमाण है कि आपको जॉब मिल गई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अभी आपका मेडिकल होगा, उसके बाद ही जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नंबर तीन की बात करें तो आस्ट एसोसिएशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर सभी उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के समय जमा करना होगा, यानी कि आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है फॉर्म लेकर होना, और एग्ज़ाम कर टाइम पे आपको जो है जमा करना होगा मेडिकल के टाइम पे। तो आप वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चौथे की बात करें, सहायता के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों के निम्नलिखित फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों, हम आपको सारे रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द जो है जैसे जैसे अपलोड होंगे हम आपके लिए वीडियो बना के आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।